हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ सूरज और मैं आज आपको न्यूमेरिकल्स दो न्यूमेरिकल्स मैंने आपके यहाँ सामने में लिखा है कि इस दो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करूंगा और आपको बताऊंगा इनिशियल पॉइंट पे कि सबसे पहले हम आरंभ कैसे करते हैं, किसी भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए क्या जरूरी है और किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो आइए चलते हैं और जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले इनमें से हमने पार्ट बाई पार्ट बांट दिया, पहले न्यूमेरिकल्स को हम यहाँ पे सॉल्व करके बताएंगे दूसरे को। इस पे दोनों एक दूसरे के ऊपर बेस्ड है। तो देखिए, कोई बल किसी 18 केजी की वस्तु में 15 मीटर प्रति सेकेंड का त्वरण उत्पन्न करता है। लगाए गए बल की गणना करें। तो सबसे पहले बल बराबर होता क्या है? तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान गुना त्वरण यानी कि F इक्वल टू होता है ma। अब F इक्वल टू ma है। अब इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है। तो लिखेंगे द्रव्यमान बराबर है 18 kg। इसके बाद आपके पास क्या दिया हुआ है, त्वरण। तो त्वरण लिखेंगे कितना दिया है, 15 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे कि बल बराबर क्या होगा। तो बल बराबर ऊपर के फॉर्मूला को देखिए, द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान कितना है, इतना है, त्वरण कितना है, 15। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करना बेहद आसान है, 18 पंचे 90 और फिर ये 18 ऐड हो गया तो कितने आ गए, 270। तो 270 आ गया। इतना क्या होगा, ये न्यूटन। इतना क्या होगा, न्यूटन। बल का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, न्यूटन। तो इसलिए ऐसा ही मात्रा जरूर लिखेंगे। ये इनिशियल पॉइंट में हमने बताया, आरंभिक न्यूमेरिकल्स मैंने आरंभ करके आपको बताने का प्रयास किया है। अब देखिए दूसरा, इसी बेस पर दूसरा भी है। आपका 25 kg द्रव्यमान की वस्तु पर न्यूटन के हिसाब से इसमें लग गया 125 न्यूटन का बल लगता है। वस्तु में उत्पन्न त्वरण की गणना करें। तो मतलब वस्तु में कितना उत्पन्न त्वरण है इस बार निकालना है आपको, ये वाला पॉइंट। तो हम जानते हैं चूंकि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। तो त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, त्वरण बराबर बल बटा द्रव्यमान। अब इसमें बल कितना है, बल का मान कितना है, तो बल का मान है 125। तो यहां पर लिखेंगे ऊपर 125। और द्रव्यमान कितना है, तो केवल 25। इसे इसको कटाएंगे, 5 टाइम्स में कट जाएगा ये, तो आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसलिए लिया गया क्योंकि त्वरण का ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो हमने एक आपको इनिशियल पॉइंट में ये न्यूमेरिकल्स बताया आपको। हम कल पुनः न्यूमेरिकल्स बताएंगे, एक और सीरीज को लाएंगे और इसमें थोड़ा सा इससे फास्ट आपको बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।